यूपी पंचायत चुनाव कब होगा, इस बार क्या क्या कड़े नियम बनाए गए हैं, चुनाव लड़ने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी होगा, इस बार एससी के आरक्षण के कितनी प्रतिशत देने की बात कही जा रही है और इस बार पंचायत चुनाव किस महीने में होने की संभावना है, तो आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है। यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियों को पूरा कार्यक्रम जनता के सामने रख दिया है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान करीब 3.5 महीने तक चलेगा और ये 29 दिसंबर को वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा। तो इस आधार पर अब तो पक्का हो गया है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2020 में नहीं होगा। अब ये पंचायत चुनाव अगले साल यानी कि 2021 में होने की संभावना बलवती हो रही है। मतलब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 में पहले 3 महीने में कभी भी होने की संभावना है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि यूपी पंचायत चुनाव फरवरी में कराए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार के स्तर पर फरवरी और मई की कुछ तारीखों पर मंथन चल रहा है। इसमें ज्यादातर लोगों का सुझाव है कि मई में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, इस वजह से चुनाव फरवरी में बोर्ड परीक्षा से पहले करवा लिए जाएं। पहले ये चुनाव दिसंबर में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। अब ये अगली साल फरवरी में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आरक्षण के बारे में। आपको बता दें, प्रशासन के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए दावेदार भी मैदान में कूद पड़े हैं। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की घोषणा होने के बाद अब गाँव में इस बात की चर्चा हो रही है कि कौन सा गाँव आरक्षित होगा और कौन सा नहीं। अभी दावेदार पूरा माहौल इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम कि इस वक्त जो सीट आ रही है वो किस वर्ग के लिए आ रही है। इसको लेकर एक खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि एससी का आरक्षण पूरा करने के बाद 27% सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। बीसी का आरक्षण होने के बाद कुल में से 1/3 सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, शेष सीटें सामान्य रहेंगी। इन सीटों की घोषणा राज्य पंचायती विभाग द्वारा की जाएगी। चलिए अब आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव के बदलावों के बारे में। आपको बता दें, आने वाले पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने की तैयारी है। यूपी सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता तय कर सकती है। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चे वाले दावेदारों को भी पंचायत चुनाव में झटका लग सकता है। सूत्रों की माने तो यूपी सरकार 2 से अधिक बच्चे वाले महिला पुरुष उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगाएगी। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल भी लेंगे हिस्सा। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने का ऐलान किया है कि हमारी पार्टी पूरे दमखम से पंचायत चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए मिशन शक्ति का तगड़ा तंज कसा। कहा कि मिशन का संदेश है कि महिलाओं की आबरू और इज्जत को तार तार करने के लिए अपनी शक्ति दिखाओ। उन्होंने हाथरस से लेकर प्रदेश की दूसरी घटनाओं की भी चर्चा की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी सिंह ने कहा कि पार्टी जिला पंचायत चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। कार्यकर्ता अभी से पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। साफ छवि के लोगों को पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन निर्माण की प्रक्रिया तेजी से कर रही है। विधानसभा स्तर पर कमेटियां बन गई हैं। आने वाले दिनों में ब्लॉक बूथ और वार्ड स्तर पर कमेटी निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन खबरों के लिए चैनल को